विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भर्ति संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम्। अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम् फिजिक्स पश्यामः। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मोशन इन वन डिमेंशनल क्या होता है ये हमने डिटेल में देख लिया। अभी दिस इज मोशन इन टू डिमेंशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके बाद फिर हम सर्कुलर मोशन भी ट्वेल्थ में एक टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, या तो वीडियो अवेलेबल है आप देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मोशन इन टू डिमेंशन। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन टू डिमेंशन। लेकिन पहले ये टर्म समझ लेते हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल यानी क्या होता है। प्रोजेक्टाइल यानी कोई भी ऐसी बॉडी या तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अभी आप हंसोगे कि क्या सर कुछ भी बोल रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो उसी को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। हाँ, जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा उसी को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अगर ये स्पंज बॉल है, अगर इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी तो ऐसा अगर सिर्फ ऊपर गया समझो तो वापस लीनियरली ऊपर जाके नीचे आएगा। दिस इज वन डिमेंशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। सिर्फ उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका, सो दैट इज वन डिमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन ये अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, मतलब दिस इज मोशन अलोंग टू डिमेंशन साइमल्टेनियसली, के हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज मोशन इन टू डिमेंशन। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन ये सर्कल ना होते हुए कुछ तो रैंडम पाथ है, और इस रैंडम पाथ का जो कर्व है इसको कहेंगे हम पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। और उसका जनरल इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई। वो मैथमेटिक्स में हम देखेंगे डिटेल में कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, फोकस क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, वगैरह वगैरह। बट लेटस डिस्कस के ये सारे जो डायग्राम्स में मैंने ये अलग अलग एंगल वगैरह बनाया है वो क्या है। लेकिन वी वर डिस्कसिंग प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल इज एनी बॉडी विच इज परफॉर्मिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर कोई बॉल है उसको आप थ्रो करते हैं किसी एंगल पे, सो दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। अगर गन है और वो गन को समझो यहाँ पर गोली है और आप कुछ एंगल पे उसको मारेंगे, सो दैट इज प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? दैट गोली इज अ प्रोजेक्टाइल जो मोशन करेगा। नागद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा, ऐसा करके अगर आप इसको कुछ एंगल पे फेंकेंगे, कुछ एंगल पे थ्रो करेंगे, सो ये जो तीर है उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल। बंदूक की गोली को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। अगर रोनाल्डो फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। धोनी अगर सिक्स मारता है हेलीकॉप्टर शॉट से तो उस बॉल को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। सो एनी बॉडी विच परफॉर्मिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन और अ पैराबोलिक पाथ इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर विद दिस? नाउ अभी इसको ना हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती तो आगे जाता, सिर्फ अगर वर्टिकल वेलोसिटी होती तो ऊपर जाता। लेकिन कुछ जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी ना देते हुए कुछ जो वेलोसिटी दी है वो इनक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा। u इज द इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये डायग्राम समझ लो, सारे पैरामीटर समझ लो, डेरिवेशन ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, विश्वास करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये समझ लो कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है किसको दी है इनिशियल वेलोसिटी? प्रोजेक्टाइल को दी है इनिशियल वेलोसिटी। तो मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है। पूरा कहां पर हो रहा है? बी पे पूरा हो रहा है। और ये जो ए से लेकर ये बी जो है, ये पूरा जो पाथ है उस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और वो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, वो पाथ का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करो। सो इनिशियल वेलोसिटी कितने दी है हमने? u दी है। और वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो थीटा से इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल जो x एक्सिस है उससे थीटा से इंक्लाइंड है। तो स्केलर वेक्टर में हमने देखा, और ये डायलॉग आपको क्लियर है कि यत्र यत्र थीटा तत्र तत्र cos थीटा, ठीक है ना? उधर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये u है, ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। समझो पॉइंट p1 पे वेलोसिटी u1 है तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पॉइंट p2 पे वेलोसिटी u2 है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और b पे जब टकराता है तभी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी समझो vb है,
तो उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं लेकिन हम दो में स्प्लिट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये डायलॉग फॉलो करता है, यत्र यत्र थीटा तत्र तत्र कॉस थीटा। तो ये यू है तो ये जो है ये हो जाएगा यू एक्स, क्या हो जाएगा यू एक्स हॉरिजॉन्टल, तो वो हो जाएगा यू कॉस थीटा। और ये क्या है यू वाई, जो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। यत्र यत्र थीटा तत्र तत्र कॉस थीटा, मतलब जिधर एंगल थीटा बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। अगर ये पॉइंट P1 पे वेलोसिटी U1 है तो ये जो एंगल थीटा वाला है, थीटा वन हो थीटा टू हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई साई कुछ भी एंगल बोलो यार, डिनोट कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर U1 है तो ये हो जाएगा U1 cos थीटा वन। अगर ये थीटा टू है, अगर ये U2 है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा U2 cos थीटा टू। अगर ये VB है और अगर ये बीटा है तो ये हो जाएगा VB cos बीटा। मतलब यत्र यत्र थीटा तत्र तत्र cos थीटा, मतलब यत्र यत्र एंगल तत्र तत्र कोसाइन ऑफ एंगल। तो इधर एंगल है थीटा, थीटा वन थीटा टू बीटा, तो ये हो गया cos थीटा वन cos थीटा टू cos बीटा, मतलब उसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट। आई बात समझ में? तो अभी ये कोसाइन कंपोनेंट है तो ऑफ कोर्स जो परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा। ये हो जाएगा u1 sin थीटा वन, ये हो जाएगा u2 sin थीटा टू, ये हो जाएगा VB sin बीटा। तो इतना क्लियर है। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u दी है, वो पूरा A से लेकर B तक पाथ परफॉर्म कर रहा है, A से लेकर B तक पाथ परफॉर्म कर रहा है। और इसको समझो M बोल देते हैं, M एंड M इज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब उसके ऊपर और जा रहा है क्या, नहीं। तो उधर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि इसके ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अगर इस पॉइंट पे कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होती तो वो ऊपर जाता, समझो इस बात को। इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होती सिर्फ वर्टिकल में तो सिर्फ वर्टिकल जाता, इसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी होती सिर्फ हॉरिजॉन्टली तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाता। लेकिन हमने जो वेलोसिटी दी है वो इंक्लाइंड है, इसलिए वो ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा, लेकिन ऊपर जा रहा है आगे जा रहा है, 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 दैट्स इट। इधर जाके ये पॉइंट पे, एम पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, हेंस वो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल। लेकिन ये पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी और वो यू कॉस थीटा के बराबर होगी। और एक रास की बात बता दूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू वन कॉस थीटा वन इज इक्वल्स टू यू टू कॉस थीटा टू इज इक्वल्स टू वी बी कॉस बीटा। या तो अरे कोई भी पॉइंट लो, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव, सारे पॉइंट्स पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है एंड दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो हाइएस्ट पॉइंट के बाद नीचे आएगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट के बाद आप सोचेंगे तुरंत क्यों नीचे नहीं आ जाता ऐसे, क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये ग्रेविटी के कारण वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके और नीचे जाएगा। तो ए से एम जाना, ऊपर जाना, ऊर्ध्व दिशा में जाना, उसे कहते हैं असेंडिंग, असेंट। और एम से बी जाना, नीचे की दिशा में जाना, उसे कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंट। और ए से एम जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट। एम से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट।
यहां से शुरू होके यहां पे खत्म किया, तो जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ ये जो पूरा डिस्टेंस है उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जहां से शुरू किया और हाईएस्ट पिक तक गया उसे हम कहेंगे द हाइट अचीव्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, और मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन ट्रैजेक्टरी। मैक्सिमम मतलब वो आगे समझेगा जैसा जैसा आगे के लेक्चर्स देखेंगे, ये हाइट है अचीव्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ये रेंज है, यहां से यहां टाइम ऑफ असेंट है, यहां से यहां टाइम ऑफ डिसेंट है, और पूरा जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी एक बात समझ लो, आपको पता है लेकिन मैं बता रहा हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, राइट वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, राइट वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, और लेफ्ट वाला नीचे वाला नेगेटिव। आई रिपीट, राइट वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नीचे वाला नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो नीचे है इसलिए उसको नेगेटिव लेंगे माइनस जी। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है वो किधर है, हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसको लेंगे प्लस, इसको लेंगे प्लस, इसको लेंगे पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो वेक्टर कंसिडर करते हो जब, डिस्प्लेसमेंट लेते हो जब, वेलोसिटी लेते हो जब, एक्सेलरेशन लेते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दे आर वेक्टर्स, वी हैव टू टेक कंसिडर, सॉरी वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑल्सो, वी हैव टू टेक डायरेक्शन इन टू कंसिडरेशन। इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, माइनस जी आएगा। ठीक है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में है और एक रेफरेंस है कि राइट अप पॉजिटिव, लेफ्ट डाउन नेगेटिव, दैट्स इट। तो इसके बाद हमें ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन डिराइव करना है, रेंज का फॉर्मूला डिराइव करना है, हाइट का, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीजें डिराइव करना है।